गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम ट्रिग्नोमेट्री के दूसरे मॉड्यूल के बारे में पढ़ेंगे। पहले मॉड्यूल में हमने पढ़ा था कि एंगल्स क्या होते हैं, उसमें हमने डिग्री और रेडियन का आपस में कन्वर्शन करना सीखा था। तो अभी हम पढ़ेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री असल में क्या होती है। तो देखिए, ये एक एस्ट्रोनॉमर थे, हिपार्कस, जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री की खोज की थी। तो ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है असल में देखें तो ट्रिग्नोमेट्री इज ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ट्राइगोनमीट्रॉन। ट्राई का मतलब है थ्री, गॉन का मतलब है साइड्स, और मीट्रॉन का मतलब मापना। तो त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ है त्रिभुज का मापन, त्रिभुज ट्राइंगल का नाप करना, तीन लाइनों का, तीन साइड्स का माप करना इज ट्रिग्नोमेट्री या ट्रिग्नोमेट्री, जो भी आप कहेंगे। तो इट इज सेड टू बी मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैथमेटिकल रिलेशनशिप जो कि आज तक खोजा गया है मैथमेटिक्स में, और बहुत ही सिंपल है, ऐसा नहीं है। ये दिशाओं की और डिस्टेंस की दूरी नापने के लिए बहुत प्रिसीजन से काम आता है। तो इट इज कंसर्न विद साइड्स एंड एंगल इन एनी राइट एंगल ट्राइंगल। अब इसमें ये ध्यान देने वाली बात है कि राइट एंगल, उसमें एक कोण जो है वो 90 डिग्री का होना चाहिए। हमें पता है कि त्रिभुज के तीन कोणों का योग जो होता है, सम होता है, वो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे देखिए, एक राइट एंगल ट्राइंगल दिखाया गया है। राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल जो है 90 डिग्री का है, जिसको ये स्क्वायर से दिखाया जाता है, उसके सामने वाले एंगल से ये सारा इसका ट्रिग्नोमेट्री चलता है, इस एंगल से जो ये एरो से दिखाया जा रहा है। तो अब देखिए, अब इसके दो साइड के हो सकते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल के दो साइड के एंगल हो सकते हैं। तो एक साइड एडजेसेंट कहलाती है, राइट एंगल के सामने जो सबसे बड़ी लाइन होती है, दिस इज नोन एज हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस जो एच से कहते हैं, तो ये सबसे बड़ी होती है। अब देखिए, ए जो नीचे वाला, जो सबसे नीचे वाला है, उसको एडजेसेंट कहेंगे हम, और उसके एंगल जो है वो ए होता है, और उसके ऑपोजिट जो साइड होती है वो ऑपोजिट ओ कहलाती है। द साइड्स ऑफ, अब इसको एच ओ ए, ऐसे हाइपोटेनस, ऑपोजिट और एडजेसेंट, ऐसे नाम दिया जाता है। हाइपोटेनस मैंने बताया इज द लॉन्गेस्ट साइड एंड ऑलवेज ऑपोजिट टू द राइट एंगल, राइट एंगल के बिल्कुल सामने होगी, क्योंकि राइट एंगल सबसे बड़ा ही एंगल होता है। द ऑपोजिट एंड एडजेसेंट साइड रेफर टू अनदर एंगल अदर देन 90 डिग्री। तो एक साइड ऑपोजिट बन जाती है, एक एडजेसेंट साइड बन जाती है। तो कौन कौन से फंक्शन है जो हम देखेंगे, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, साइन, कोसाइन, टेंजेंट। अब इनको हम लिखते कैसे हैं, साइन को एस आई एन से लिखते हैं, कोसाइन को सी ओ एस से, और टेन को, टेंजेंट को टेन से लिखते हैं। अब इसके साथ यूज होता है ग्रीक लेटर थीटा, जिसको कि हम प्रोनाउंस थीटा कहते हैं, और ये अननोन एंगल होता है। 90 डिग्री का एक एंगल है और दूसरा वाला अननोन एंगल है। अब देखिए, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज कैसे काम आते हैं। सपोज मैंने एक एंगल 20 डिग्री का ऐसे लगाया, तो हर एक ट्राइंगल में देखिए कि ऑपोजिट और हाइपोटेनस। अब ये हाइपोटेनस तो ये लंबी वाली साइड होगी, और उसके ऑपोजिट एडजेसेंट नीचे वाली साइड होगी, और ऑपोजिट जो है दूसरी साइड होगी। तो यहाँ पे देखिए कि इनका रेशियो क्या होगा। यहाँ पे अभी मैं एक लाइन अगर मापता हूं तो ये 1.82 आती है, और इसके साथ जो है 5.32 आती है। तो इन दोनों का रेशियो देखूं तो 0.342 आता है, 0.342। अभी मैंने छोटा सा एक एंगल लगाया, अब एक और ट्राइंगल लगाता हूं, तो इसी 20 डिग्री का एंगल को लगाता हूं, तो उसमें एक लाइन अगर यहां पे परपेंडिकुलर में 90 डिग्री पे 4.37 लगती है, तो दूसरी वाली 12.77 निकलती है। इन का दोबारा रेशियो देखता हूं तो फिर वही आता है 0.342। अगर दोबारा आगे लाइन में ऐड करता हूं 6.55 और 19.16, तो फिर इनका रेशियो 0.342 आता है। तो इससे मुझे कुछ आइडिया लगता है कि सिमिलर ट्राइंगल्स में जो लाइनों का रेशियो है, ट्राइंगल्स, राइट एंगल ट्राइंगल में लाइनों का रेशियो कुछ सेम रहता है। अब ये रेशियो कौन कौन से हैं, तीन तरह के रेशियो मैंने बताए, साइन, कॉस और टेंजेंट। तो साइन थीटा जो होता है वो ऑपोजिट बटे हाइपोटेनस, ये ऑपोजिट लाइन है, और हाइपोटेनस जो सबसे बड़ी लाइन है, ये ऑपोजिट और हाइपोटेनस, इन दोनों का रेशियो होता है। कोसाइन क्या है,
एडजेसेंट ओवर हाइपोटेनस। एडजेसेंट कौन सी है? ये वाली एडजेसेंट जो नीचे बेस पे बनती है, और हाइपोटेनस जो सबसे बड़ी वाली लाइन बनती है। नेक्स्ट इज टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा इज ऑपोजिट ऑपोजिट लाइन डिवाइडेड बाई एडजेसेंट लाइन। तो हमारे तीन तरह के रेशो बन गए, साइन कोसाइन टेंजेंट, ऑपोजिट ओवर हाइपोटेनस, एडजेसेंट ओवर हाइपोटेनस एंड ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट। अब इनके रिवर्स भी रेसिप्रोकल भी होते हैं। रेसिप्रोकल कौन कौन से होते हैं? साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसीकेंट। कोसीकेंट कैसे बनता है? इट इज हाइपोटेनस, जो नीचे वाला था वो ऊपर अब आ गया, और ऑपोजिट जो ऊपर वाला था वो नीचे चला गया। सीकेंट में हाइपोटेनस ओवर एडजेसेंट, और कोटेंजेंट में अगर देखा जाए तो एडजेसेंट ओवर ऑपोजिट होगा। अभी हमने पिछली वोकैबुलरी में पढ़ा है कि डिग्री जो होती है इट इज 1/360 ऑफ फोर सर्कल, जिसको कि हम डिग्री जीरो से शो करते हैं। मिनट जो है वो एक अपोस्ट के उससे दिखाते हैं, 1/60 ऑफ ए डिग्री होता है, और सेकंड जो होता है वो 1/60 ऑफ ए मिनट होता है, जो डबल अपोस्ट से दिखाते हैं। क्वाड्रेंट हमें पता है कि एक सर्कल के चार हिस्से करते हैं, तो उसको हम क्वाड्रेंट कहते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है वो 0 से 90 डिग्री होता है, सेकंड क्वाड्रेंट 90 से 180 यहां से शुरू होता है, तो वो इस तरह से 90 तक, और 90 से फिर 180 तक, फिर 180 से 270 और 270 से 360 तक फोर्थ क्वाड्रेंट जाता है। तो इसको अगर रेडियंस में देखें तो हमने कन्वर्शन करना सीख चुके हैं। 0 पाई बाई 2 जो होता है वो 90 डिग्री होता है, पाई जो होता है वो 180 डिग्री होता है, और 2 पाई होता है 360 डिग्री के आसपास। तो ये हमारा सर्कल है, इसको हम देख भी चुके हैं। कुछ हमने स्पेशल ट्राइंगल्स देखे हैं, 30, 60, 90, 45, 90, हमारे पास ट्राइंगल्स भी होते हैं। तो इनके टी रेशोज जो होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, टी रेशो मीन्स ट्रिग्नोमेट्री रेशोज, हमें याद भी करने हैं। तो वो यूनिक रिलेशनशिप होते हैं। जैसे यहाँ पे अगर देखा जाए कि ये दोनों वन है, तो इसके ये वाली साइड अंडर रूट 2 के बराबर आती है। वो आगे देखते हैं कैसे बनता है। अब एक बात हमें पता है कि तीनों एंगल्स का जोड़ जो है वो 180 डिग्री, ये हमें याद रखना है, क्योंकि ये चीजें ऐसे याद हो जानी चाहिए कि बिना देखे सोचे समझे हम इनको रट्टा मार लेना चाहिए। अगर 2 68 68 है तो ऑटोमेटिकली तीसरा एंगल 45 हो जाएगा। तो तीनों का जोड़ करके 180 में, दो में से माइनस कर दें 180 में से, तो तीसरा एंगल अपने आप आ जाएगा। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में हमें ध्यान देने वाली बात है दैट वी ओनली केयर अबाउट राइट एंगल्स, जिसमें एक एंगल कम से कम 90 डिग्री हो। अब यहाँ पे ये राइट एंगल है, एंड वी कॉल द लॉन्गेस्ट साइड इज हाइपोटेनस। मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूँ, वी पिक वन ऑफ द अदर एंगल्स नॉट द राइट एंगल। हम दूसरे एंगल्स को थीटा बताते हैं जो कि राइट एंगल नहीं है, चाहे ये वाला ऊपर वाला हो चाहे नीचे वाला, और दूसरी साइड को रिलेटिव टू दैट एंगल बताते हैं। हाइपोटेनस लंबी वाली साइड होगी। अगर ये वाला एंगल ले रहे हैं तो इसके नीचे वाला एडजेसेंट होगा और सामने वाला ऑपोजिट होगा, इस एंगल के सामने वाला ऑपोजिट होगा। अगर दूसरी साइड वाला लेते हैं तो उसके दूसरी साइड वाला ऑपोजिट होता है। सिंस ए ट्राइंगल हैज थ्री साइड्स, तो उसके रेशियो भी तीन साइड हैं, तो उनको जंबल करके हम 6 तरीके से उनको लिख सकते हैं। तो इसकी तीन रेशियो कौन कौन सी है? साइन कॉस और टेंजेंट, ये जो हम बता सकते हैं। द अदर थ्री रेशियोज आर रिडंडेंट विद दीज एंड कैन बी इग्नोर्ड। जो हम दूसरी वाली रेशियोज हैं वो उनकी ऑपोजिट साइड है। तो हम बात कर चुके हैं, एक हाइपोटेनस है, एडजेसेंट और ऑपोजिट। अब इनको यूज कैसे करते हैं? अगर हमारे पास ये फंक्शन है, एंगल हमें पता है, एक लेंथ पता है, तो किसी ना किसी तरह से हम बाकी एंगल्स और बाकी साइड्स को भी निकाल सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें एंगल दिया होता है और एक साइड दी होती है, तो बाकी भी निकाल सकते हैं। जैसे कि टेंजेंट ए इज इक्वल टू ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट, तो लेंथ ऑफ ऑपोजिट साइड अगर दी जाती है तो हम इसको एडजेसेंट इनटू टेंजेंट ऑफ ए। अब ये देखिए, ये रेशो है टेंजेंट, तो हम एक ऑपोजिट साइड अगर निकालनी है तो एडजेसेंट को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ऑपोजिट साइड आ जाएगा। कॉस के साथ इसी तरह से, तो हमें
देखा जाए तो हमें ये देखना है कि कौन सी वाली साइड दी गई है, कौन सी एंगल दी गई है। अब सबसे मुश्किल काम क्या होता है, द हार्ड पार्ट, इफ यू अंडरस्टूड, अगर हमें समझ आ गया है तो हमारे लिए मुश्किल ये हो जाता है कि यार ये याद कैसे करूं, साइन इज इक्वल टू ऑपोजिट ओवर हाइपोटेनस, कॉस इज इक्वल टू एडजेसेंट, नहीं यार याद नहीं हो रहा मुझे तो, ये है तो लग तो रहा है, या तो रट्टा मारना पड़ेगा। इसका एक फार्मूला जो विक्की कोर्ट ने बताया है, जैसे ये है तो अगर इंग्लिश में आप याद करना चाहें तो सेम ओल्ड हॉर्स कॉट अनदर हॉर्स टेकिंग ओट्स अवे, ये लाइन याद कर लीजिए, या सेंट्स ऑन हाई कैन ऑलवेज हैव टी और एल्कोहल। सेंट्स यहाँ पे देखिए, सेंट्स ऑन हाई कैन ऑलवेज हैव टी और एल्कोहल, सेंट्स ऑन हाई कैन ऑलवेज हैव टी और एल्कोहल। अब आप कहेंगे यार मुझे तो हिंदी में याद होता है, इंग्लिश में नहीं याद होता, तो हिंदी वालों ने भी तरीका दिया हुआ है, इंडियन निमोनिक्स भी दिए हुए हैं, लेकिन उसमें क्या है कि यहाँ पे जो हमारे को ऑपोजिट है उसको हम परपेंडिकुलर से बोलते हैं, परपेंडिकुलर से, देखिए लाइन जो है वो हमारी परपेंडिकुलर से होती है, तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस बेस, नीचे वाले को बेस कहते हैं हम, तो हिंदी में हमारा बेस बन जाएगा, बेस और हाइपोटेनस वही रहेगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो इसको हम इस तरह से याद कर सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो ये पी बी पी, और ये पहला वाला जो है, पहला वाला रेशो जो है वो हमारा साइन में बनता है, ठीक है, मैं उसको हाईलाइटर से हाईलाइट करता हूँ, ये वाला हमारा जो है, ये पहला वाला जो रेशो है ये साइन बनता है, दूसरा वाला रेशो जो है वो कॉस बनता है, और तीसरा वाला रेशो जो है वो टेंजेंट बनता है। दोबारा मैं देखता हूँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो पहला वाला रेशो जो है वो साइन बनेगा, दूसरा वाला कॉस बनेगा, और तीसरा वाला जो है वो टेंजेंट बनेगा। दोबारा से इसको याद कर लीजिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो पंडित पी बी पी एच एच बी, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। तो मैं आगे देखता हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में, साइन आपको याद हो गया तो उसके रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज भी आपको याद होनी चाहिए, कि साइन जो है वो साइन के साथ आपका आएगा, जो ये वाला है साइन के साथ 1/cosec थीटा, और कोसिकेंट थीटा के साथ आ जाएगा आपका 1/secant थीटा, और टेंजेंट के इनवर्स जो आ जाएगा रेसिप्रोकल 1/cotangent थीटा, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। अब आप बात आती है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस कैलकुलेटर पे कैसे करेंगे भाई, तो तीनों चीजें डेसिमल वैल्यूज हैं। अब ये जो कैलकुलेटर पे आती है ये हमें एंगल, या तो उसको हम डिग्री में उसको स्विच दबा दें, या फिर उसका रेडियन में अगर देना है तो रेडियन में वैल्यू कैलकुलेट हमें पता होना चाहिए। साइंटिफिक कैलकुलेटर्स में सभी की होती है। अब देखिए, सपोज हमें कहते हैं साइन 32 निकालना है, तो हम कैलकुलेटर पे कैसे प्रेस करेंगे, साइन 32 साइन दबाएंगे, 32 टाइप करेंगे, और फिर उसके बाद इक्वल टू उसकी वैल्यू वो बता देगा, या फिर कोई और वैल्यू है। अब रेशियोज निकालने हैं कोई एंगल का, तो वो भी हम इस तरह से ही निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे हमें साइन पता चल गया, लेकिन अब हमें चाहिए कि एंगल चाहिए यूजिंग रेशियोज, तो एंगल भी इनवर्स निकाल सकते हैं अगर हमारे पास साइन रेशो दिया हुआ, हमारे पास रेशो दिया हुआ है एंगल निकालने के लिए, तो इसको हम साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स और टेंजेंट इनवर्स की फंक्शन कीज से यूज कर सकते हैं। अब कैलकुलेटर में कैसे यूज करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे साइन एक्स आपको दिया गया है, आपके पेपर में दिया गया कि साइन एक्स इज इक्वल टू 0.1115 दिया है, तो एंगल निकालना है। आप साइन ऑफ थीटा दिया हुआ है 0.115, तो उसका हमें एंगल निकालना है। तो अब जब एंगल निकालना है तो हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स वाला बटन दबाएंगे। साइन इनवर्स का बटन दबाने के लिए कैसे करेंगे, शिफ्ट और साइन, शिफ्ट एंड साइन, ये दोनों, पहले शिफ्ट दबाएंगे और साइन दबाएंगे, फिर उसके बाद इक्वल टू का निशान दबाएंगे। जब अगर साइन इनवर्स आपके दिया हुआ है तो वो साइन इनवर्स, अगर कई बार ऐसा होता है कि रेड में साइन इनवर्स दिया होता है और शिफ्ट भी रेड होता है, तो शिफ्ट एंड साइन दोनों दबा के उसके बाद इक्वल टू का दबाएंगे, तो वो आपको एंगल दे देगा 6.4 डिग्री अगर डिग्री में है। इसी तरह कोसिकेंट एक्स इज इक्वल टू ये है, तो
तो अगर इनवर्स निकालना है तो इस तरह से हम 26 डिग्री इसने निकाल लिया शिफ्ट एंड कॉस निकाल के। अब कुछ ऐसी हैं वैल्यूज हमारे को जो बार बार थोड़ा जहां पे कुछ पेपर्स में मैथमेटिक्स में हमारे को अलाउड नहीं होता कैलकुलेटर यूज करना, तो वहां पे हम कुछ ऐसी वैल्यूज हैं जो बार बार याद कर देनी चाहिए, रट लेनी चाहिए। ये कुछ एंगल्स स्टैंडर्ड एंगल्स जैसे मैंने बताए थे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो इनको ये तालिका जो है ये लिस्ट आपको याद कर लेनी चाहिए, साइन 0 0, कॉस 0 1 थोड़ा रट लेना चाहिए, एंड टेंजेंट इज इक्वल टू साइन ओवर कॉस। तो जो साइन की वैल्यू है अगर आप साइन और कॉस याद कर लीजिए टेंजेंट ऑटोमेटिकली याद हो जाता है। तो यहाँ पे कुछ एंगल्स इसको मैं दिखा रहा हूँ, साइन 130, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, एंड ये जो आपके सामने आती है कॉस 30 जो है वो साइन 30 के बराबर बन जाता है, कॉस 30 जो है वो साइन 60 के बराबर, और साइन 30 जो है वो कॉस 60 के बराबर बन जाता है। तो थोड़ा सा आपके टीचर इसको बता देंगे तो आप समझ जाएंगे कि कैसे याद करना है। तो साइन 0 0, कॉस 0 1, तो इस तरह से आप वहां तक आपको 90 तक थोड़ा याद कर लेना है। अब आगे हम बात करते हैं कि इसको मिसिंग साइड याद करनी है राइट एंगल ट्रायंगल की। जब हमें एक एंगल पता है और एक साइड पता है, देखिए अब ये कॉस 45 हमें पता है कि एक्स बटे 13 है, तो अगर एक साइड में हम है तो एक्स निकालनी है, तो कॉस 45 हमें पता है जैसे उस टेबल से हमें पता है या हो सकता है कैलकुलेटर से है, तो x is equal to 13 times cos 45, तो 13 times that means x is 13 time of cos 45, इस तरह से याद कर सकती है। तो अभी देखिए एक हम न्यूमेरिकल थोड़ा करने की कोशिश करती हैं। एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें हाइपोटेनियस दिया गया है, हाइपोटेनियस 7 सेंटीमीटर दिया है, एंगल जो है थीटा वो 30 डिग्री दिया गया है, तो हमें k जो है अननोन वैल्यू वो निकालनी है। अब आपको इसका रिलेशन देखना है कि एडजेसेंट के साथ हाइपोटेनस का रिलेशन क्या है। हमें पता है कि cos a इज इक्वल टू एडजेसेंट ओवर हाइपोटेनस होता है, तो एडजेसेंट ओवर है तो cos a, अगर cos 30 हमें पता है तो हम इसकी a की वैल्यू जो है एडजेसेंट के जो बेस है हमारा उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए अब cos 30 की वैल्यू है 0.866, उसको 7 से मल्टीप्लाई कर दें, जो 7 हमारा 7 सेंटीमीटर है, तो k की वैल्यू हमारी निकल आ जाएगी। 0.866 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 6.1 सेंटीमीटर आती है, सो दिस इज द आंसर। इसी तरह से अब अगला न्यूमेरिकल देखें तो इसमें हमारे को 50 डिग्री एंगल दिया गया है और 4 सेंटीमीटर जो है हमारा परपेंडिकुलर वाला एरिया दिया गया है, तो अब हमें पता है कि टेंजेंट ए इज इक्वल टू ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट है, तो हमें निकालना है जो हमारी एडजेसेंट वाली एरिया है वो निकालना है। तो हम इसको ऑपोजिट वाली साइड निकालने के लिए हम इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, तो आर इज इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर हमारा निकल जाएगा। इसी तरह से देखिए अब ये भी एक न्यूमेरिकल है जिसमें हमारे को परपेंडिकुलर या ऑपोजिट साइड, जिसको आप कहते हैं परपेंडिकुलर या ऑपोजिट साइड निकालनी है। यहाँ पे हाइपोटेनस 12 सेंटीमीटर दिया गया एंड एंगल इज 25 डिग्री, तो अब देखिए हाइपोटेनस और ऑपोजिट में हमारा रेशियो जो है वो साइन में निकलता है, तो साइन में जब निकलता है तो साइन ए इज इक्वल टू ओ बाई एक्स के बाई 12 हुआ, साइन ए हमारा बना साइन 25 क्योंकि 25 डिग्री दिया हुआ है, तो k जो है हमारी अननोन वैल्यू निकलेगी साइन 25 इंटू 12, दैट मीन्स 12 टाइम्स द साइन 25 विच बिकम्स 5.1 सेंटीमीटर। साइन 25 स्टैंडर्ड टेबल में आपको याद नहीं रहेगी तो इसको कैलकुलेटर से ही करना पड़ेगा। इसी तरह से एक और न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं तब तक, कि एक होता है कि अब ये तो हमारा हो गया था साइड निकालना, जैसे साइड हमने निकाल ली है तो अब एंगल निकालना भी हो सकता है। एंगल में कैसे, देखिए जैसे कि सपोज ये वाला तो हमें दी हुई है, अब यहाँ पे ए ए हमारे को दी हुई है और एक्स निकालनी है, हाइपोटेनस निकालनी है, तो बेस और हाइपोटेनस का हमेशा
कॉस के बराबर होता है, तो कॉस 30 इज इक्वल टू 5 ओवर एक्स, एक्स इज इक्वल टू निकालना है, तो अब इसको हम क्रॉस कर देंगे, तो दैट मीन्स 30 कॉस 30 नीचे चला जाएगा और एक्स ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ कि ये कॉस जो है ये एक्स इधर चला गया और कॉस इधर आ गया, नीचे की तरफ आ गया, और इसको हम एक्स इज इक्वल टू 5.8 सेंटीमीटर कर सकते हैं। अब इसी तरह से आठ नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए कि हमारे को यहाँ पे परपेंडिकुलर या ऑपोजिट जो है वो 8 सेंटीमीटर दिया है और हाइपोटेनस निकालना है। तो हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर में हमारा रेशो ओवर एक्स जो होता है वो साइन के बराबर होता है, और साइन 25 ये हमें कैलकुलेटर से निकालना है। अब इनको आपस में क्रॉस कर देंगे तो एम ऊपर आ जाएगा और साइन 25 नीचे चले जाएगा, एम इज इक्वल टू 18.9। नाउ आपके लिए एक्सरसाइज में आप ये काम कर सकते हैं कि ये देखिए दो ट्राइंगल दिए गए हैं, दो ट्राइंगल्स में साइड निकालनी है, एक में एक्स निकालना है, एक में आर निकालना है। साइन 30 मैंने इनकी वैल्यूज दे दी है, साइन 30 की 0.5 है, साइन 30 जो है आपका 0.5 के बराबर है, कॉस 30 0.866, टेंजेंट 30 है 0.57। दूसरे न्यूमेरिकल के लिए 50 डिग्री है, और उसके लिए अगर साइन चाहिए आपको तो वो 0.76 है, कॉस की वैल्यू 0.6428, कैलकुलेटर उठाने की जरूरत नहीं है, टेंजेंट की वैल्यू 0.1917 है, थोड़ा इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा तो आपको आइडिया भी लग जाएगा, तो 0.1917 है। तो ये तीनों वैल्यूज दी हुई हैं। तीसरे वाले न्यूमेरिकल में जो 11th वाला न्यूमेरिकल है, इसमें आपने ये एंगल निकालना है जो आपका ये वाई वाला एंगल है, इसमें दो साइड्स दी हुई हैं, तो दो साइड्स देखिए इनका कौन सा रेशो ऐसा बनता है जिससे वाई एंगल निकल आएगा। तो इसके साथ साथ हम निकाल सकते हैं, एंगल भी निकाल सकते हैं, अगर दो साइड्स दी हुई हैं तो एंगल भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, अब देखिए ये इसमें हाइपोटेनस सी एंगल निकालना है, तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि लेबल्स क्या क्या हैं। अब एक तो है हाइपोटेनस और एक है आपका जो बेस है या ऑपोजिट साइड जिसको हम सॉरी एडजेसेंट साइड है जिसको, तो एडजेसेंट और हमारा हाइपोटेनस में रेशियो होता है कॉस के बराबर, तो कॉस सी इज इक्वल टू 0.142 हमारा निकला है दोनों का रेशियो। तो लास्ट में हम सी इज इक्वल टू सी कैसे निकालेंगे, कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स हम कैलकुलेटर में मैं आपको बता चुका हूँ कैसे निकालना है, तो हमारा 64.6 डिग्री आ जाएगा। इसी तरह से हमारे और भी हैं, दो साइड्स दी हैं तो तीसरा एंगल हम निकाल सकते हैं, लेकिन ये राइट एंगल ही ट्राइंगल होना चाहिए ये याद। अब देखिए इसमें एडजेसेंट एंड ऑपोजिट है तो टेंजेंट है, टेंजेंट हमारे को निकालना है, तो ये 2. टेंजेंट इनवर्स 2.667 का बनाना है, तो हमारा एक्स इज इक्वल टू 69.4 आ गया। इसी तरह से अब ये भी दो हैं, इनका भी देखिए साइन का रेशो आता है, तो हमारा ये 0.833 निकालना है, तो ये एक्स इज इक्वल टू 56.4 आ गया। तो हमारी एप्लीकेशंस क्या है ट्रिग्नोमेट्री में, थोड़ा सा हमें आइडिया भी लग गया है कि पुराने जमाने में क्या होता था, एस्ट्रोनॉमी के में डिस्टेंस ऑफ स्टार्स की कितना दूर है स्टार वो देखने के काम आता था, रेडियस ऑफ अर्थ निकालने के लिए, हाइट ऑफ हिल बिल्डिंग ट्री, कोई पहाड़ी है उसकी ऊंचाई कितनी है नाप नहीं सकते थे लेकिन एक डिस्टेंस से नाप लेते थे, नेविगेशन एरोप्लेन या शिप्स के लिए काम आता था, डिफेंस के लिए काम आता था, तो इस तरह से हम यूज करते थे। कुछ को फंक्शन है हमारे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, वो हम देखेंगे, लेकिन उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि चार क्वाड्रेंट में, अब देखिए ये पाई बाई टू माइनस थीटा, पाई बाई टू इज 90 डिग्री, तो 90 डिग्री माइनस थीटा दैट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो हम इसमें देखेंगे कि इसका साइन जो है को फंक्शन जो है साइन कोसाइन, कोसाइन में चेंज होता है, कोसाइन साइन में चेंज हो जाता है, टेंजेंट को टेंजेंट में चेंज हो जाता है, तो जब भी माइनस होता है तो आगे कैसे चेंज हो जाएगा उसका उल्टा ऑपोजिट बन जाएगा, ये प्लस या माइनस कैसे बनेगा ये हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे चार क्वाड्रेंट होते हैं तो उसमें कौन कौन से जो फंक्शन होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। तो पहले वाला क्वाड्रेंट जो है यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये वाला साइड जो है पहले वाला क्वाड्रेंट, इसमें फ्रॉम, आपको थोड़ा ये लाइन याद करनी है, फ्रॉम स्कूल टू कॉलेज, तो फ्रॉम का मतलब एफ, एफ का मतलब कि सारे इसमें
जितने भी हैं साइन कॉस टेंजेंट ये सारे पॉजिटिव मिलेंगे। अब दूसरे क्वाड्रेंट में क्या होता है फ्रॉम स्कूल, इसमें सिर्फ साइन और साइन का जो रेसिप्रोकल वाला है कोसिकेंट वाला वो पॉजिटिव मिलेगा। तीसरे वाले में टू, टू का मतलब टेंजेंट, टेंजेंट एंड कोटेंजेंट ये पॉजिटिव मिलेंगे तीसरे वाले में। और चौथा कॉलेज, कॉलेज मतलब कोसाइन, सी सी याद करना है। तो फ्रॉम स्कूल टू कॉलेज, आप भी स्कूल से कॉलेज आए हैं तो फ्रॉम स्कूल टू कॉलेज एफ एस टी सी, फ्रॉम मीन्स फुल, एस से साइन कोसेकेंट, टी टेंजेंट कोटेंजेंट, एंड चौथे में हमारा कोसाइन एंड सीकेंट जो है वो पॉजिटिव रहेगा। ये थोड़ा याद करना है, हम अगले वाले लेक्चर में इसको पूरा करेंगे। दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।